नीरजा पैनाम की सीनियर फ्लाइट पर्सर 5 सितंबर 1986 को केवल 25 वर्ष की उम्र में कराची एयरपोर्ट पर हाईजैकर्स के बुलेट्स का शिकार हुई। चंडीगढ़ में स्थित रमा भनोत और पत्रकार हरीश भनोत को दो बेटे अखिल और अनीश के बाद एक बेटी की चाहत थी। ईश्वर ने उनकी प्रार्थना सुनी और 7 सितंबर 1963 को उनकी लाडली बेटी नीरजा भनोत का जन्म हुआ। माता पिता नीरजा को प्यार से लाडो कहकर पुकारते थे। नीरजा ने चंडीगढ़ के सेक्रेड हार्ट स्कूल में 5वीं तक की पढ़ाई की। 1974 में उनका परिवार मुंबई शिफ्ट हो गया। वहां उन्होंने बॉम्बे स्कॉटिश हाई स्कूल से आगे की पढ़ाई करके सेंट जेवियर कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। वो बचपन से ही काफी संवेदनशील, खुश मिजाज और लोगों की मददगार थी। ग्रेजुएशन के तुरंत बाद उनकी शादी हो गई और वो अपने पति के साथ दुबई में रहने चली गई, पर तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। 2 महीने बाद ही पति द्वारा दहेज उत्पीड़न की वजह से वो दुबई से मुंबई आ गई। आत्मविश्वास से भरी खूबसूरत नीरजा ने अपना धैर्य नहीं खोया और मुंबई आकर मॉडलिंग करने लगी। बिनाका टूथपेस्ट, बैंजर साड़ीज, गोदरेज बेस्टो डिटर्जेंट, वेपोरेक्स, वीको टर्मरिक क्रीम जैसे टेलीविजन और प्रिंट विज्ञापनों में वो नजर आई। उसके बाद उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स की मुख्य एवं सबसे बड़ी इंटरनेशनल एयर कैरियर पैन एम में फ्लाइट अटेंडेंट की नौकरी के लिए अप्लाई किया। इस नौकरी के लिए करीब 10,000 आवेदन पत्र आए थे, पर नीरजा आराम से टॉप 80 में चुन ली गई। फ्लाइट अटेंडेंट की ट्रेनिंग के लिए उन्हें मियामी भेजा गया। उनके साहस और उत्साह से प्रभावित होकर उन्हें सीनियर फ्लाइट पर्सन नियुक्त कर दिया गया, जो 22 साल की उम्र में उनके करियर की बड़ी उपलब्धि थी। हाईजैकिंग की घटना। 5 सितंबर 1986 को नीरजा भनोत पैन एम फ्लाइट 73 में ड्यूटी पर थी। ये फ्लाइट 361 यात्रियों और 19 क्रू सदस्यों को लेकर मुंबई से यूएसए के लिए उड़ान भर रही थी। मुंबई से ये रवाना होकर पाकिस्तान के कराची में जिन्ना इंटरनेशनल हवाई अड्डे में उतरी। जब जहाज टारमैक पर टेक ऑफ के लिए खड़ी थी, तब अचानक 4 हथियारबंद आदमियों ने जहाज के अंदर घुसकर जहाज को हाईजैक कर लिया। ये हाईजैकर्स लिबिया से संबंधित अबू निदल आतंकवादी संगठन के थे, जो प्लेन को इजराइल ले जाकर क्रैश करना चाहते थे। नीरजा ने तुरंत कॉकपिट में लोगों को इस बात की सूचना दी। कॉकपिट से पायलट, को पायलट और फ्लाइट इंजीनियर बाहर निकल गए ताकि उनसे हाईजैकर्स जबरदस्ती उड़ान ना भरा सकें। सीनियर कर्मचारी होने की वजह से नीरजा पर सारा उत्तरदायित्व था। जहाज में अलग अलग देशों के यात्री मौजूद थे, पर मुख्य रूप से अमेरिकी यात्री हाईजैकर्स के निशाने पर थे। नीरजा ने अपने सूझबूझ से अमेरिकन यात्रियों के पासपोर्ट्स को छुपा दिया ताकि आतंकवादी उनकी पहचान ना कर सकें। उन्होंने अपने चेहरे पर मुस्कान को कायम रखा और एक बार भी यात्रियों को सर पर मंडरा रहे खतरे का या भय का एहसास होने नहीं दिया। ये डरावना खेल 17 घंटे तक चालू रहा और 17 घंटे बाद आतंकियों ने धमाका करने के लिए आग जलाया। इतने में बिना समय गवाए नीरजा ने इमरजेंसी दरवाजे को खोलकर फिसलकर निकलने के लिए शूट भी खोल दिया और यात्रियों को जल्दी से भाग निकलने का निर्देश दिया। वो चाहती तो दरवाजा खोलकर पहले खुद भाग सकती थी, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। इतने में आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। नीरजा 3 बच्चों को गोलियों से बचाने के लिए सुरक्षा कवच बनकर खड़ी हो गई और गोलियों ने उनके शरीर को छलनी कर दिया। 41 अमेरिकी यात्रियों में 2 की गोलियों से मृत्यु हो गई, पर बाकी सभी यात्री बचा लिए गए। नीरजा ने यात्रियों को बचाने के लिए अपने प्राणों की कुर्बानी दे दी। 2 दिन बाद अपने जन्मदिन पर अपने माता पिता से मिलने वाली थी, पर अफसोस उनका मृत शरीर उनके माता पिता के पास पहुंचा। सम्मान। इस घटना के बाद नीरजा भनोत को पूरी दुनिया में द हीरोइन ऑफ द हाईजैक के रूप में पहचान मिली। मरणोपरांत उनकी त्याग और बहादुरी के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया गया। भारत की सबसे प्रतिष्ठित शौर्य पुरस्कार अशोक चक्र अवार्ड को प्राप्त करने वालों में वो सबसे कम उम्र की हैं। भारत की मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन अवार्ड, यूनाइटेड स्टेट्स की जस्टिस फॉर क्राइम अवार्ड,
यूएसए की फ्लाइट सेफ्टी फाउंडेशन हीरोइज्म अवार्ड, यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस द्वारा स्पेशल करेज अवार्ड और पाकिस्तान द्वारा तमगा ए इंसानियत अवार्ड उनके मरणोपरांत उन्हें दिए गए। नीरजा के माता पिता ने नीरजा के इंश्योरेंस के पैसे तथा ब्रांड पैन एम टाइटल को इस्तेमाल करने के कारण पैन एम द्वारा दिए गए फंड से नीरजा भनोत पैन एम ट्रस्ट को स्थापित किया, जो हर साल 2 अवार्ड प्रदान करती है। एक पूरी दुनिया से किसी एक कर्तव्य निष्ठ फ्लाइट क्रू के सदस्य को और दूसरा भारत में सामाजिक अन्याय ग्रस्त महिला को दिया जाता है। नीरजा ने जिन बच्चों को बचाया था उनमें से एक आज मुख्य एयरलाइन का कैप्टन है और वो नीरजा को अपनी प्रेरणा का स्रोत मानते हैं। नीरजा के पति ने उनकी औकात पर उंगली उठाकर जलील किया था, पर नीरजा ने पूरी दुनिया के सामने त्याग और साहस का परिचय देकर ये दिखा दिया कि वो असल में क्या हैं। उनकी कुर्बानी कभी भूली नहीं जा सकती और हर साहसी फ्लाइट क्रू के सदस्य के रूप में वो सदा हम सबके बीच अमर रहेंगी। भारत की साहसी बेटी नीरजा भनोत को हम सबका सलाम। जय हिंद।